हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल एजुकेबल। और आप सबका स्वागत है फिर से हमारी एक नई शानदार वीडियो में। जैसे कि आप लोग थंबनेल से समझ ही गए होंगे कि आज इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ कि NTA ने रिलीज़ कर दी है एंट्रेंस की डेट। जी हाँ, एंट्रेंस की डेट, जो बच्चे इतने टाइम से उसके लिए वेट कर रहे थे बेसब्री से, बिकॉज कोरोना की वजह से सारे के सारे एंट्रेंस की डेट्स जो थी वो कैंसिल हो गई थी और वो आगे पोस्टपोन हो गई थी। तो आज जो है मैं आपको बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी, बेहद इम्पॉर्टेंट खबर आपके साथ बताने वाली हूँ। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसको लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करना, और शेयर कर दो यार, बिकॉज बहुत सारे बच्चे इसके लिए अब तक वेट कर रहे थे और आज उनका सब्र का बांध टूट चुका है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि कौन कौन से एंट्रेंस एग्ज़ाम की डेट आ चुकी है और कौन कौन से एंट्रेंस एग्ज़ाम की डेट आने की पूरी पूरी उम्मीद है आने वाले दिनों में, यानी कि कौन कौन से एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए जल्द ही NTA डेट निकालने वाली है जिनके लिए अब तक नहीं निकाली है। तो सबसे पहले इस वीडियो में मैं आपके साथ जो शेयर करने वाली हूँ वो है जिसके बारे में NTA निकाल चुकी है। तो जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो, इसकी जो डेट लिखी है वो है 6 जुलाई 2021, यानी कि बिल्कुल हाल ही का लेटेस्ट का नोटिफिकेशन है और ये मैंने ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड किया है। तो प्लीज़ आप इसको अगर डाउनलोड करना चाहते हो, इसको ढंग से पढ़ना चाहते हो, तो आप मेरे टेलीग्राम पे मुझे ज्वाइन कर सकते हो, मैं वहाँ पर भी इसको शेयर कर दूँगी। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू तो इसको सब्सक्राइब कर लेना यार, और जो आगे बेल वाला आइकन है उसको प्रेस कर लेना, ताकि आपको ऐसी ही अमेजिंग वीडियोज़ फटाफट से सबसे पहले मिलती रहें। तो चलिए बात करते हैं आज कौन से एग्ज़ाम के लिए NTA ने नोटिफिकेशन निकाला है। द नेशनल टेस्टिंग एजेंसी अनाउंसेस द रिजम्पशन ऑफ द रिमेनिंग टू सेशंस ऑफ द JEE मेंस 2021 फ्रॉम जुलाई 20, 2021। अगर आपको पता होगा कि जैसे कि आपने थंबनेल पर देखा कि मैं बाकी एग्ज़ाम्स के बारे में बताने वाली हूँ, तो आप सोच रहे होंगे कि मैं JEE के बारे में क्यों बता रही हूँ। बिकॉज JEE का जो मेंस था वो काफ़ी टाइम से अटका हुआ था, और जैसे कि आप देख सकते हो कि 20 जुलाई को एग्जामिनेशन है, यानी कि आपको सिर्फ और सिर्फ NTA ने यहाँ पे कितने दिए हैं, 15 दिन दिए हैं। इसका मतलब मैं अभी आपको समझाऊंगी कि इन 15 दिन का मतलब सिर्फ JEE वालों के लिए नहीं है, आपके लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर आप कोई और एंट्रेंस एग्ज़ाम देने वाले जो कि NTA कंडक्ट करवाती है। जैसे आपको पता होगा नेशनल टेस्टिंग एजेंसी बाकी सारे एंट्रेंस भी कंडक्ट करवाती है, जैसे कि MA की करवाती है, JNU का करवाती है, DU का करवाती है, और UGC NET का भी NTA करवाती है। तो इन सब की डेट्स अभी अटकी हुई थी, तो अगर NTA ने एक एग्ज़ाम की डेट निकाल दी है, दैट मीन्स बाकी के जो एग्ज़ाम हैं उनकी भी वो डेट फटाफट से यहाँ पर निकाल देगी, देरी नहीं करेगी। और यहाँ पर जो 15 दिन, इन 15 दिन पर गौर देने की बात है, सिर्फ़ और सिर्फ यहाँ पे आपको 15 दिन पहले बताया गया है एग्ज़ाम से पहले। तो प्लीज़ अगर आप किसी और एंट्रेंस के बारे में प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसको फटाफट से बकअप कर लो और जल्दी से जल्दी अपनी पूरी जी जान से मेहनत करनी शुरू कर दो अपने एंट्रेंस के लिए। तो नीचे यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ, द नंबर ऑफ़ एग्जामिनेशन सेंटर्स इन एवरी शिफ्ट विल बी ऑल्सो इंक्रीज। जैसे कि आपको पता है कि कोरोना की वजह से अभी सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है, तो यहाँ पर जो एंट्रेंस के सेंटर्स थे उनका नंबर बढ़ा दिया गया है, 660 से 1828 कर दिया गया है। और यहाँ पर एक और सुविधा की गई है कि अगर आप अपने एंट्रेंस को जो सेंटर था उसको चेंज करना चाहते हो तो वो भी अब आप कर सकते हो। तो जिन बच्चों को भी चेंज करना है, आप एंट्रेंस देख सकते हो कि कौन कौन से नए सेंटर्स आए हैं, वहाँ पर भी आप अप्लाई कर सकते हो जाने के लिए। उसके बाद यहाँ पर जो आपकी लिखी हुई है, ये कुछ एडिशनल COVID-19 गाइडलाइंस लिखी हुई हैं, बिकॉज कोविड अभी गया नहीं है, तो आपको सारे के सारे मेजर्स को फॉलो करना पड़ेगा। NTA वहाँ पर सारे के सारे मेजर्स को मेक श्योर करेगी कि कोई भी सोशल डिस्टेंसिंग या फिर COVID-19 के गाइडलाइंस का उल्लंघन ना हो। तो प्लीज़ आप मेक श्योर करके जाना कि आप अच्छे से सैनिटाइज होकर जाओ, अपने मास्क लेकर जाओ और पूरी की पूरी हार्ड कोर प्रिपरेशन के साथ जाओ, ताकि आप इस NTA के एग्ज़ाम को, यानी कि JEE का मेंस जो अपडेट निकल चुकी है, उसको क्लियर कर सको। तो यहाँ पर मैं कुछ और चीज़ें आपको नीचे दिखाना चाहूँगी। यहाँ पर आप जैसे कि देख सकते हो कि ऑफिशियल सिग्नेचर आपको दिख रहे होंगे डॉक्टर सिद्धाना पराशार की, यानी कि सीनियर डायरेक्टर हैं, जो किसके हैं, NTA के हैं। इसका मतलब कि अगर इन्होंने JEE के लिए एग्ज़ाम निकाल दिए, और जस्ट मैंने कल ही एक और वीडियो बनाई थी जो कि DSSB के रिलेटेड थी, DSSB के एग्ज़ाम भी निकल चुके हैं, वो भी अगस्त में हैं, पहले अगस्त शुरू हो जाएंगे, उसके बाद अलग अलग शिफ्ट हैं। जिस तरीके से मैंने DSSB की शिफ्ट बताई थी, यहाँ पर भी उसी तरीके से अलग अलग शिफ्ट होने वाली हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हो कि एक के बाद एक, यानी कि रोज़ एक नए धमाकेदार सरप्राइज़ दे रही है NTA आपको।
कल DSSB के एग्जाम्स निकल गए थे और आज JEE के निकल चुके हैं, तो इससे आप क्या अनुमान लगा सकते हो कि जो एंट्रेंस को करवाने की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है, यहाँ पे ऑफिशियल नोटिफिकेशंस आनी स्टार्ट हो चुकी हैं। तो अगर आप किसी और एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, UGC NET के लिए कर रहे हो, DU के लिए कर रहे हो, JNU के लिए कर रहे हो, तो आप ये आशा लगा सकते हो कि आपके अगर फॉर्म नहीं निकले हैं तो वो जल्द ही निकलने वाले हैं, और अगर आपका एंट्रेंस नहीं हुआ है तो वो एंट्रेंस भी आपके यहाँ पर जल्द ही होने वाला है। तो आज के वीडियो में आपको बताने का मकसद यही था कि NTA की जो डेट्स हैं, यानी कि एंट्रेंस की वो डेट जिनके लिए बच्चे काफ़ी समय से बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, तो वो अब धीरे धीरे NTA रिलीज़ करता जा रहा है। तो अगर आपको भी ये वीडियो पसंद आती है, नॉलेजेबल लगती है, तो प्लीज़ इसको अपने दोस्तों के साथ या अपने कॉलेज ग्रुप में, यूनिवर्सिटी ग्रुप में, सब जगह फटाफट से आग की तरह शेयर कर दो, बिकॉज ये सबके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ होने वाली है। और आगे के इस तरह के अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और आगे जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दो। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में। और मैं ऑलरेडी आप सबके लिए जो B.ED है, LLB रिलेटेड है, MA रिलेटेड है, ऑलरेडी उन सबके रिलेटेड मैं वीडियोस बना चुकी हूँ, तो अगर आपने नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप ज़रूर देखना और दोस्तों के साथ भी शेयर करना। हमारा चैनल अभी न्यू है तो हमें आपके ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है, तो अपना प्यार बनाते रहिए, अपने सपोर्ट दिखाते रहिए। और आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।